इस समय मैं मौजूद हूं जामनगर के अंबेडकर चौक पर। ये वो अंबेडकर चौक है जो 6 दिसंबर को बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर हजारों की संख्या में यहां युवा इकट्ठा हुए थे और एक विशाल कैंडल मार्च निकाला था उनकी याद में। उनसे लेकर के हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहां पर प्रोग्राम जो शेड्यूल जो स्टार्ट किया था वो क्या था, किस किस उपलक्ष्य में यहां के युवा इकट्ठा हुए थे। पिछली 6 दिसंबर को बाबा साहेब अम्बेडकर का 62वां महापरिनिर्वाण दिवस था, उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया था। तो उसके अंदर जामनगर के और जामनगर के आसपास के गांव के और गुजरात के दूसरे सिटीज़ के 5,500 लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और हमने जामनगर के इतिहास में सबसे पहली बार इतनी बड़ी कैंडल मार्च, वो भी शांत तरीके से मौन कैंडल मार्च, एक श्रद्धांजलि के रूप में हमने आयोजित किया। अच्छा, इसका क्या मोटिव था, युवा इकट्ठा हुए थे किस मतलब विकास को लेकर के या श्रद्धांजलि अर्पित, क्या मोटिव क्या था इसके पीछे? 6 दिसंबर अपने आप में एक बड़ा त्यौहार है, सॉरी त्यौहार नहीं, एक बड़ा उपलक्ष्य है। और उसके उपलक्ष्य में ये है कि उस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ था और इस 6 दिसंबर को बाबा साहब का 62वां महापरिनिर्वाण दिवस था। तो उस उपलक्ष्य में भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर, जो अपने आप में विश्व विभूति है और जिन्होंने भारत देश को कई सारे योगदान दिए, न सिर्फ संविधान बनाया उसके साथ साथ भारत देश को कई सारे योगदान दिए, उसकी वजह से भारत देश की प्रजा बाबा साहेब की जिंदगी भर ऋणी रहेगी। उसके उपलक्ष्य में यह जामनगर सिटी के कितने सारे बाबा साहब के चाहने वाले और बाबा साहब की विचारधारा में मानने वाले लोगों ने बाबा साहब को 62वें महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च में अपना योगदान दिया और अपनी उपस्थिति दर्ज की। आप इस दिन को किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे तो फिलहाल सभी को मालूम है कि 6 दिसंबर का महत्व क्या होता है। जैसे पहली दूसरी समाज को ऐसा एक मैसेज है कि जो लोग जानते हैं कि 14 अप्रैल के दिन ही ये लोग सब निकलते बाहर, वो तो हमारे लिए सबसे बड़ा एक क्वेश्चन था कि 6 दिसंबर को इतने लोग यहाँ पे जामनगर में इकट्ठा हुए, वो सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। अच्छा, तो यहाँ पर जिस तरीके से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था तो अब उसके पीछे कैंडल मार्च भी निकाला, क्या युवा इकट्ठा हुए, तो अपने क्या कम्युनिटी लगता है कि कुछ जागरूक हो रही है इसके पीछे, क्योंकि उससे पहले तो आप इतना इसको लेकर के जागरूक नहीं थे। इसके बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जामनगर के इतिहास में इतने बड़े, सबसे पहले कि चुनाव के माहौल में, अभी गुजरात में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, इस माहौल में 5,500 लोगों का इकट्ठा होना, हमने इस प्रोग्राम के पब्लिसिटी के लिए हमने कोई पैम्फलेट नहीं बनवाया था और ना ही हमने कोई कागज़ बना के बांटे थे जी। हमने सिर्फ अपने तरीके से वोकल पब्लिसिटी किया था कि इस दिन को प्रोग्राम है और हमने हमारे टारगेट के अनुसार 500 लोगों की उपस्थिति हमने सोचा था, लेकिन 5,500 लोगों का आना कि हम इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर थे, हमने टोटल 500 कैंडल्स का व्यवस्था की थी, लेकिन 500 लोगों की उपस्थिति में हमें 5,500 लोगों की उपस्थिति में हमने इतनी कैंडल लास्ट में लाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो यहाँ इस प्रोग्राम के बाद लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे थे, अब क्या मैसेज दिया? हाँ, तो सबसे पहले इस प्रोग्राम का सबसे मेन मोटिव ये था कि हमने बाबा साहब का जो स्टेच्यू है उसके पीछे की जो जगह है वहाँ पे हमने एक विश्व रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए हमारा प्रयास था। उसके अंतर्गत हमने विश्व की जितनी भी बड़ी रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज है सबको हमने कांटेक्ट किया है और हमारी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो अंडर प्रोसेस है, तो वो उसके अंतर्गत हमने विश्व में पहली बार किसी मनुष्य का दीप चित्र बनाने के लिए हमने प्रयास किया था। हमने 650 स्क्वायर फीट एरिया में 2,700 मोमबत्तियों की मदद से हमने बाबा साहब का एक दीप चित्र बनवाया था जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, नेशनल इंडिया न्यूज़ के माध्यम से अब बाबा साहब के उपलक्ष्य में दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? मैं उपलक्ष्य में ये कहना चाहूँगा कि भारत के सभी नागरिकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब का नाम वो अपने आप में यहाँ पे लिखा हुआ जैसे कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, उसी तरह से भारत के हर एक नागरिकों को ऐसा होता है कि जो लोग यूपीएससी एग्जाम की जो तैयारी करते हैं वही लोग बाबा साहब के बारे में डीपली पढ़ाई करते हैं, या फिर जो बाबा साहब के फॉलोवर वही डीपली बाबा साहब की पढ़ाई करते हैं। लेकिन उसके एग्जाम्पल के रूप में ऐसा कहना चाहूँगा कि बाबा साहब की एक लिखी हुई छोटी सी किताब है कि वीज़ा की एप्लीकेशन कर, वेटिंग फॉर वीज़ा, जो छोटी सी किताब है वेटिंग फॉर वीज़ा, वो इंग्लैंड के नामी यूनिवर्सिटी में एक कोर्स की तरह पढ़ाया जाता है। उसी तरह से मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि बाबा साहब की जीवनी के बारे में जो भी बाबा साहब के हाथों द्वारा लिखित जो भी
बुक्स और जो भी रिटर्न मटेरियल जो बाबा साहब ने लिखा है उसको पढ़े। ये जो बाबा साहब को कई लोगों ने सिर्फ दलित एक हस्ती के रूप में उन्होंने नटशेल में बंद कर दिया है, लेकिन बाबा साहब अपने आप में एक विश्व विभूति थे। अगर कोई इस बात का प्रूफ चाहता है तो कृपया करके जो इंग्लैंड की जो नामी बिजनेस स्कूल है वहाँ पे जाके देखे कि उन्होंने लिखा है। इवन ओबामा ने भी ये कहा है कि अगर वो इंग्लैंड में पैदा होते तो हम उनको सूरज कहते हैं। तो उसी तरह से बाबा साहब ने जो लिखा है उसको पढ़े। वो एक सिर्फ किसी कम्युनिटी के लिए ही उन्होंने लिखा नहीं है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बाबा साहब की जो थीसिस था पीएचडी का थीसिस, उसमें उसके उपलक्ष्य में ही रिजर्व बैंक का स्थापना हुई है। तो बाबा साहब सिर्फ एक नटशेल में नहीं थे, ना ही उनके कोई विचार एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए और या फिर कोई पर्टिकुलर ब्रॉड लोगों के लिए ही था। ये पूरे भारत देश के लिए और पूरे भारत और विश्व के लिए अपने आप में, जैसे कि नेल्सन मंडेला ने कहा था कि भारत में आके अगर मैं किसी चीज़ को ले जाना चाहूँगा तो वो होगा कि बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान। तो बाबा साहब ने जो अपने हाथों से लिखा हुआ जितना भी रिटर्न मटेरियल है, कृपया करके उसको पढ़े। बाबा साहब के उपलक्ष्य में आपके दिमाग में जो भी धारणा है वो अपने आप खुद ना बनाए, और बाबा साहब की लिखी हुई जो खुद की लिखी हुई किताब है उनको पढ़े, ताकि आपके अंदर जो गलत धारणा है, जो फेक राष्ट्रवाद के बारे में अभी जो चल रहा है वो अपने में मिटे। और बाबा साहब ने एक लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने एक गोल्डन स्लोगन कहा था कि फर्स्टली एंड लास्टली आई एम एन इंडियन। तो उसको हमें देखा जाए कि हम जो भी है सब छोड़ के पहले भी और लास्ट में भी हम इंडियन है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये वो युवा थे जिन्होंने 6 दिसंबर को यहाँ पर बड़ी तादाद में आकर बाबा साहब को याद किया था। जामनगर से अपने सहयोगी सलीम सिकंदर के साथ आकिल रजा, नेशनल इंडिया न्यूज़।